गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपकी सफलता के लिए, सक्सेस के लिए हम हार्दिक शुभकामना करते हैं। आइए आज हम ट्रायल पढ़ते हैं, बाय कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल कैसा होता है और उसको हम ग्राफ के जरिए समझते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म में सेशन ट्रायल को समझते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किस तरह का ट्रायल होगा। आइए आज पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है जो 302 आईपीसी के अंतर्गत मर्डर का अभियुक्त है, मर्डर का आरोपी है, तो इस पर सेशन ट्रायल कैसे चलेगी वही आज हमारा डिस्कशन पॉइंट है और बहुत मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ के जरिए इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले जो मर्डर एक जो है मर्डर का आरोपी है, 302 आईपीसी का एक्यूज्ड है, अरेस्ट होने के बाद उसको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट इस केस को ट्रायल नहीं कर सकती है, लेकिन सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने के बाद जो है ये मामला सेक्शन सीआरपीसी 209 के अंतर्गत कमिट किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन को। यानी सबसे पहला यहाँ पर जो आपका सेक्शन प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, वो आपका 209 होगा। 209 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है कमिट कर देगा इस केस को कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि ये जो आपका ऑफेंस है ये ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद सेक्शन 225 सबसे पहले फॉर्म में आता है। सेक्शन 225 होता है कि किसी भी ट्रायल की शुरुआत पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा की जाएगी, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मामले की शुरुआत करेगा। यहाँ पर डिफेंस मामले की शुरुआत नहीं कर सकता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मामले की शुरुआत करेगा, क्योंकि कोर्ट में मामले को वही लेकर गया है, इससे मामले की शुरुआत वही करेगा और उसे ही रिलीफ चाहिए, उसे ही न्याय चाहिए, उसे ही जस्टिस चाहिए। तो 225 के अंतर्गत ये ट्रायल करेगा पीपी। 225 के बाद सेक्शन 226 प्रभाव में आता है। अब 226 में प्रभाव में आने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर है मामले की शुरुआत करेगा, एफआईआर के बारे में बताएगा, उसके पास और भी कोई सबूत है, कोई भी और प्रूफ है, उनको प्रूव करने की कोशिश करेगा, आरोपी को किसी भी तरीके से आरोप सिद्ध करने के लिए वो यहाँ पर जो है अपने एफआईआर और अपने प्रूफ देने की कोशिश करेगा। तो 226 कहती है ओपनिंग स्टेटमेंट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 225 कहती है कि मामले की शुरुआत पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा की जाएगी, 226 उसे कनेक्टेड में वो कहती है कि मामले की शुरुआत ऐसी की जाएगी कि ओपनिंग स्टेटमेंट करेगा, अपराध के बारे में बताएगा, कुछ तथ्यों को बताएगा, एफआईआर के बारे में बताएगा और मामले की शुरुआत करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 226 प्रभाव में आने के बाद जो है जब जज को या कोर्ट को लगेगा कि मामला नहीं बनता है तो 226 जो है दो पार्ट में डिवाइडेड हो सकती है। पार्ट ए क्या कहता है, यदि मामला नहीं पाया जाता तो 227 के अंतर्गत उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और 227 के अंतर्गत पार्ट ए कहता है। 226 में जो कार्रवाई शुरू होती है वो 227 में ख़त्म हो सकती है, यदि मामला बनना नहीं पाया जाता, किसी भी तरीके से ये लगे कि मामला बनना नहीं पाया जाता, फैक्ट के आधार पर ये लगे तो मामला 227 पे जाके ख़त्म हो जाता है। मामला 227 पे ख़त्म नहीं होता है तो अपना डायरेक्शन लेगा, 227 में मामला ख़त्म नहीं होता है तो मामला 228 पे जाएगा, जहां पर जो है चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, क्योंकि पार्ट ए तो इसका ख़त्म हो चुका है, वहां तो इस डायरेक्शन में तो मामला ख़त्म नहीं होगा। जब मामला ए की तरफ नहीं जाएगा तो मामला बी की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 226 की दो ब्रांचेज हैं, या तो 227 या 228। 228 में मामला जाता है तो वहां पर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे 228 में, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन सीआरपीसी का 228 में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। 228 भी दो ब्रांचेज में डिवाइडेड होती है, 228 भी दो मामले ब्रांचेज दो भागों में डिवाइडेड होती है कि मामला यहां पर जो है चार्ज फ्रेम कर दिए जाएंगे जो भी अभियुक्त के खिलाफ बनते हैं, और सेशन कोर्ट को लगता है कि मामला मेरे साथ ट्राइबल नहीं है किसी भी प्रकार, तो वो इस मामले को सीजीएम को भेज सकता है, पहला पार्ट तो ये कहता है, और सीजीएम इस मामले को उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे आपका वारंट मामलों में पुलिस रिपोर्ट पर जो वारंट मामले होते हैं उनका ट्रायल किया जाता है, उसी तरीके से सीजीएम इसको ट्रीट करेगा। तो पार्ट ए 228 का जाता है सीजीएम के पास और पार्ट बी जाता है 229 के पास। दो पार्ट हैं, 228 या तो पार्ट ए में चला जाएगा या पार्ट बी में 229 के पास जाएगा। 229 में जाएगा तो वहाँ पर वो अभियुक्त से पूछेगा कि आप प्ली ऑफ गिल्टी करता है, क्या वो ये मानता है कि उसने अपराध किया है। यदि वो डायरेक्ट स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है, प्ली ऑफ गिल्टी है, तो जजमेंट दे दिया जाएगा और कन्विक्शन कर दिया जाएगा।
इस मामले में जज बाउंड नहीं कि ऐसा ही वो करे, वो ट्रायल के लिए भी मामले को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन 229 में यदि वो प्ली ऑफ गिल्टी कर लेता है तो जज यहाँ पर जजमेंट देगा और कन्विक्शन कर देगा, मैटर समाप्त हो सकता है, या 228 दो भाग ले सकती है, तो पार्ट ए में मामला चला जाएगा तो कोर्ट ऑफ सेशन का काम खत्म, या वो 229 में प्ली ऑफ गिल्टी कर लेता है और उसको कन्विक्शन करके जजमेंट दे देता है तो यहाँ पर मैटर समाप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, सपोज ऐसा नहीं हो पाता है, 229 में मामला खत्म नहीं होता है, जब अभियुक्त चाहता है कि दी साहब मैं तो ट्रायल चाहता हूँ, तो जब 229 का मामला खत्म वो ट्रायल चाहता है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, उसे 230 में जाना पड़ेगा, मामला और आगे बढ़ेगा, या तो मामला 229 में खत्म है तो यही कहानी खत्म, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभियुक्त चाहता है कि मैं कहानी को खत्म नहीं करता, मैं मामले को 230 में ले जाना चाहता हूँ, तो फिर कोर्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिए डेट देगा, समन जारी करेगा, विटनेस को बुलाया जाएगा, उनको गवाही के लिए बुलाया जाएगा, ये मामला 231 के थ्रू अब आगे चलेगा, ट्रायल आगे बढ़ेगा। वहां पर 229 में मामला खत्म हो सकता था, 227 में मामला खत्म हो सकता था, 227 में खत्म नहीं हुआ तो 229 में हो सकता था, वहां भी खत्म नहीं हुआ तो 230 में मामला आगे बढ़ेगा और वो प्रोसिक्यूशन डेट्स की आपको डेट देगा। ये चीज है, प्रोसिक्यूशन विटनेस आ गए, अब उनके जो भी बयान वगैरह है 231 में रिकॉर्ड किए जाएंगे, अगला प्रोसेस, अगला स्टेप, 231 में उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, 231 में, 231 में यदि बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वहां पर भी दो ब्रांचेस पैदा होगी, कोर्ट को लगता है कि साहब नहीं कोई मामला अब नहीं बन रहा, प्रोसिक्यूशन के विटनेस में इतना दम नहीं है, प्रोसिक्यूशन विटनेस से ऐसा लग रहा है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, पार्ट ए में जाकर 232 के अंदर उसको एक्विट कर देगा, उसको बरी कर देगा। देखिए 227 में वो डिस्चार्ज करता है क्योंकि चार्ज नहीं लगा था, 232 में वो एक्विट करता है क्योंकि चार्ज लग गया, वहां पर 232 में एक्विट करता है, बरी करता है, 227 में वो डिस्चार्ज करता है, पार्ट ए में मामला नहीं जा पाता, एक्विट करने का उसे नहीं बेस मिलता है, एक्विट करने का कोई बेस नहीं मिलता है, मामला ए में नहीं जाता है, मामला ए में नहीं जाता है तो फिर कहाँ जाएगा, मामला बी साइड जाएगा, डिफेंस विटनेस को बुलाया जाएगा क्योंकि वो भी डिफेंस करेगा सामने वाला, 233 में करेगा वो, डिफेंस विटनेस करने के बाद या तो मामला 231 से दो पार्ट में डिवाइडेड करेगा, या तो जाएगा 232 की तरफ जहां पर उसका एक्विटल हो जाएगा, वहां नहीं जाता तो वो जाएगा 233 की तरफ जहां पर विटनेस के डिफेंस बुलाए जाएंगे, 233 में डिफेंस के विटनेस हो गए, 230 में प्रोसिक्यूशन के विटनेस हो गए, हो गया दोनों टाइप के विटनेस हो गए, अब क्या होगा 234 में दोनों का आर्ग्यूमेंट होगा, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट होगा क्योंकि दोनों ने अपने विटनेस दे दिए, एविडेंस हो गया, डिफेंस साइड का भी हो गया, प्रोसिक्यूशन साइड का भी हो गया, यहाँ पर जो है अब आर्ग्यूमेंट में आएगा 234 में, और जब मामला आर्ग्यूमेंट में आ गया तो फिर नेचुरल है 235 के अंतर्गत जजमेंट होगा, या तो उसका एक्विटल होगा या उसका कन्विक्शन होगा, 235 के अंतर्गत या तो उसका एक्विटल होगा या 235 के अंतर्गत उसका कन्विक्शन होगा। इस तरह मामला देखिए आप 225 से शुरू हुआ था और 235 पे खत्म हुआ, 225 में से एक बार समरी कर देते हैं हम, 225 में पीपी इसको कंडक्ट करेगा, 226 में केस को स्टार्ट करेगा, फैक्ट देगा, उसके बारे में बताएगा, 226 दो तरीके के पार्ट पर जाएगी, या तो 227 में उसको डिस्चार्ज कर देगा यदि मामला नहीं पाया जाता है, 227 में नहीं जाता है, पार्ट ए में नहीं जाता है तो वो 228 में जाएगा, चार्ज फ्रेम होंगे तो दो डायरेक्शन बनेंगे, या तो सीजीएम को भेज दिया जाएगा, सीजीएम को नहीं भेजा जाता पार्ट ए में नहीं जाता है तो मामला 229 में जाएगा, पार्ट बी में कहता है कि भैया तू प्ली ऑफ गिल्टी करता है क्या, वो कहता है मैं प्ली ऑफ गिल्टी करता हूँ तो जजमेंट दे दिया जाएगा, कन्विक्शन कर दिया जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, वो कहता है मैं नहीं प्ली ऑफ गिल्टी मैं नहीं करता, मुझे ट्रायल चाहिए, तो मामला 230 में जाएगा, 229 में नहीं जाता है तो फिर 230 में जाएगा, वहां पर प्रोसिक्यूशन विटनेस डेट दे देगा, जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस है 231 में रिकॉर्ड किया जाएगा, सारे एविडेंस प्रोसिक्यूशन केवल प्रोसिक्यूशन के विटनेस किए जाएंगे, फिर 231 के दो पार्ट होंगे, यदि कोर्ट को लगेगा कि मामले में दम नहीं है तो 232 में वो एक्विटल कर देगा, उसे लगता नहीं मामले में ना मैं डिफेंस के प्रोसिक्यूशन भी जरूरी है, मामला तो आर्गुमेंट के जरिए पता चलेगा किस साइड जाना चाहिए, कोर्ट के नजरिए से कुछ नहीं होगा, तो डिफेंस के विटनेस आ जाएंगे 233 में, 233 में आने के बाद डिफेंस भी आ गया, प्रोसिक्यूशन भी आ गया, तो फिर दोनों पार्टीज में आर्गुमेंट होगा 234 में, आर्गुमेंट होने के बाद फिर जजमेंट होगा 235 में। तो फ्रेंड्स ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था।
आपके कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल होता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जिसको हम टेस्ट पर रखने में सहयोग करेंगे, जिससे हमारी मेमोरी में ये ताज़ा रहेगा कि सेशन ट्रायल कैसे होता है, किन किन स्टेप से गुजरता है और किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है सेशन ट्रायल करने में। उम्मीद है आपको हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। यदि आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी प्रेजेंटेशन पर आप अपना कमेंट जरूर दें ताकि हम और अच्छा लॉ के मामले में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेकर आएँ अलग अलग सेक्शंस की, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी रहे और आप अपने इंटरव्यू में या रिटर्न एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएँ। यदि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैथमेटिक्स की तरह समझना है, लो एक मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स की तरह समझेंगे तो समझ में आएगा। उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। किसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।